हेलो स्टूडेंट्स, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेसन चल रहा है उसमें आज अपन लेक्चर 5 पढ़ेंगे। आपने फोर्थ लेक्चर में पढ़ा होगा कि अपन ने बोर मॉडल का टॉपिक शुरू कर दिया था। बट बोर मॉडल पढ़ने से पहले आपको सबको याद होगा कि बोर मॉडल से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। उन बेसिक पॉइंट्स में से अपन ने एक टॉपिक ये वाला प्रिपेयर किया था जिसको अपन ने बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का टॉपिक अपन ने लेक्चर 4 में कंप्लीट किया था। बट अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसका और जो बेस है वो अपन अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में अब आज अपन इसकी ड्वेल नेचर पढ़ेंगे। ड्वेल मतलब टू नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। वो टू नेचर क्या है इस बात को अपन प्रिपेयर करना चाहते हैं। यहां पर जो ये ड्वेल नेचर है, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट्स, फिर ये एक टॉपिक बनता है ड्वेल नेचर ऑफ एटम, सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, मैटर। तो देखो ये दो टॉपिक होते हैं, आपको बेसिक समझा रहा हूं, यही बात इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के ध्यान नहीं रहता कई बार। ये टॉपिक और ये टॉपिक सेम मान लेते, होते सेम ही है, बट देखना डिफरेंस क्या आएगा, कैसे समझा जाएगा। यहां जो ये आप लाइट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको पहले ही समझा दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। इस टॉपिक को बेस मान करके नील्स बोर ने ड्वेल नेचर ऑफ मैटर को अप्लाई किया डी ब्रोगली के साथ मिलकर के। एक साइंटिस्ट तो और आएंगे जिन्होंने यहां पर यह टॉपिक प्रिपेयर किया था। आज अभी मैं एक बार यह टॉपिक नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे तो बोर मॉडल पढ़ने से पहले इसका जो बेस है वो प्रिपेयर करवाना है यहां पर। तो पढ़ते हैं ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। इसके लिए आप ये समझिए कि जो सनलाइट अपने पास आती है या आप जिस रूम में बैठे हैं और बल्ब की लाइट जैसे आपके पास आती है, अपन वो वाली बात नहीं करेंगे, एक बार सनलाइट की बात करें। तो सनलाइट ऐसे नहीं होती है, सनलाइट ऐसे नहीं होती है। जो एग्जैक्ट है, जो करेक्ट इसका तरीका है वो अपन सीखना चाहते हैं, वो क्या है। देखिए सनलाइट जो होती है उसकी दो नेचर है, क्या क्या, एक तो पार्टिकल्स और दूसरी होती है वेव। बोलिए दो नेचर क्या क्या है, ड्वेल नेचर। ये आप नाम पढ़िए ध्यान से, लाइट के लिए दो नेचर मैंने लिख दी है, 1 और 2। फर्स्ट नंबर क्या है, पार्टिकल, सेकंड नंबर क्या लिख रहा हूं, वेव। वैसे ये दो अलग अलग नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको, एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक सिक्का होता है ना, जैसे अपन उस पर बोलते हैं हेड और टेल, है ना, आपको कौन सा मांगना वो मांग लेना, मैं बोलूंगा हेड और टेल, तो आप इसको हेड बोलिए, इसको टेल बोलिए। कभी ये सिक्का जैसे ऐसे उलट पुलट हो गया तो पहले वेव बोलिए फिर पार्टिकल बोलिए, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, बट नेचर दो है इसलिए सीखना जरूरी है। आप यहां लिख रहे हैं लाइट। अब ये लाइट जब अपने तक आएगी तो देखना, ये इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, बहुत आराम से देखिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। मैं किसी एक पार्टिकल को यहां पर नोट कर देता हूं, ये लीजिए, ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और लाइट के पार्टिकल को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। और जब ये फोटोन पार्टिकल्स अपने तक ऐसे आते हैं तो इनसे ये क्या बन रही है बोलो, यहां पर आप ध्यान दे रहे होंगे, क्रेस्ट और ट्रफ बन रहे हैं ना, बोलिए वेवलेंथ दिख रही है ना, वेव नंबर आ रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी बन रही है ना। तो इसलिए अपन इनको, अपन ये जो ये लाइन कंप्लीट ऐसे अब ये बन के आएगी, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, बोलिए वेव। ये आपके पास में वेव है। इसलिए जो लाइट है उसकी कितनी नेचर होती है, बोलिए दो नेचर होती है। दो कौन कौन सी होती है, एक तो पार्टिकल होती है, ये फोटोन को मैंने यहां पर क्या बोल दिया है, ये पार्टिकल है, और दूसरी नेचर क्या होती है, वेव होती है। ये जो बात आप पढ़ रहे हैं, अपन जो सीख रहे हैं, इसी को बेस माना था नील्स बोर ने। तो बोर का मॉडल पढ़ने से पहले ये बेसिक्स पढ़ने जरूरी होते हैं।
यहां लाइट की जब ड्वेल नेचर स्टार्ट हुई थी तो आप लाइट से रिलेटेड एक साइंटिस्ट एनर्जी से रिलेटेड याद रखना है सबको, आइंस्टीन का नाम सुना होगा आपने। आइंस्टीन का फॉर्मूला आप बताइए, आइंस्टीन का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। मैं समझता हूं शायद सभी स्टूडेंट्स को यह फॉर्मूला याद होगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। एम मास ऑफ फोटोन पार्टिकल, सी सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड अपन लिखते हैं, आप सबको याद होगा। यहां मैं एक बार ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि ड्वेल नेचर होती है लाइट की तो किसी ने तो बताया होगा, यहां पर किसी ने तो कुछ ऑब्जर्वेशन किए होंगे, प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तो लाइट से रिलेटेड जो स्टडी हुई है वो आइंस्टीन के द्वारा हुई है। छोटा सा एक जीके का क्वेश्चन मान लीजिए या कंपिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन, कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा ड्वेल नेचर ऑफ लाइट किस साइंटिस्ट के लिए, आइंस्टीन। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूंगा, आगे चल करके ये टॉपिक बदलेगा, यहां लाइट की जगह पे लिखा जाएगा मैटर, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर तो बोलना डी ब्रोगली, चेंज हो जाएगा। लाइट को बेस मान करके एटम को पढ़ा जा रहा है, वेव को बेस मान करके एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगी, इसलिए ड्वेल नेचर ऑफ लाइट में एक इक्वेशन आप सबको याद रखनी है, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन के साथ साथ ही यहां जो आप आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इनके साथ साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक ड्वेल नेचर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं मैक्सवेल, उनकी भी एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन क्या है, इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये वाली इक्वेशन भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली इक्वेशन भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली इक्वेशन आइंस्टीन के लिए है, ये वाली इक्वेशन मैक्सवेल के लिए है। मैं आपको ये बोलूं कि जब ये भी इज इक्वल्स टू है और ये भी इज इक्वल्स टू है तो क्या आप इन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते, यस अपन ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देना एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये इज इक्वल्स टू है और ये इज इक्वल्स टू है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आप दोनों को ऐसा लिख सकते हैं। इसमें किसी के कोई डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए आप लोग। मैं जब ये वाली इक्वेशन को दोबारा से रिप्रेजेंट करूं तो आप ध्यान देना, ये जो इक्वेशन यहां एच है इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है 6.62×10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड। ये इक्वेशन में आपके ये वैल्यू न्यूमेरिकल्स में इसमें काम आएगी, याद रखना एच एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू न्यू के लिए आप याद रखिए सी अपॉन लेमडा। ये न्यू क्या होता है बोलना, सी सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लेमडा वेवलेंथ। तो जो इक्वेशन नंबर थ्री आपके पास में है इसको दोबारा से कैसे लिख सकते हो, आप इस इक्वेशन को काम में लीजिए और न्यू की जगह पे नोट करिए क्या लिखना चाहेंगे, इसकी जगह पे नोट करिए सी अपॉन लेमडा। स्टूडेंट्स प्लीज हेल्प करें, कोऑपरेट करें, बोलिए ये वाली इक्वेशन दोबारा कैसे लिखी जा सकती है, बोलो बेटा एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच तो ऐसा कैसा लिख दूं और न्यू की जगह पे लिख देता हूं सी अपॉन लेमडा। ये आपके पास में सी स्क्वायर है और ये सी है, अगर यहां इसको शिफ्ट करता हूं तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, देखना एम सी इज इक्वल्स टू एच लेमडा। इसी इक्वेशन को और बेस्ट तरीके से कैसे लिख सकते हो, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। अरे यही तो वो इक्वेशन है जिसने तहलका मचाया है, लाइट की स्टेडी वेव पार्टिकल और फोटोन इन सब की प्रिपरेशन जो जो क्वेश्चंस होते हैं उन सब के आंसर इसी इक्वेशन से आते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ड्यूअल नेचर, जो फोटोन पार्टिकल की ड्यूअल नेचर पढ़ते हैं उसका आंसर होता है। इस इक्वेशन को बेस माना गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बोर की नजर, डी ब्रोगली की नजर इसी इक्वेशन पर है,
इसको बेस मान करके उन्होंने जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर किए थे। यहां पर क्या है बोलिए, लेमडा क्या है, लेमडा को पढ़ा करो वेवलेंथ। एच क्या है बोलिए, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको पहले से बता दी है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। एंड एम, एम को पढ़िए मास ऑफ फोटोन पार्टिकल्स, मास ऑफ फोटोन पार्टिकल्स। एंड सी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब एटम की स्टडी होगी, मैटर के बारे में बताया जाएगा, तब भी ये इक्वेशन होगी, बट थोड़ा चेंज होगा। वो चेंज क्या आएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। जो वी आता नहीं यहां पर, वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जो उस समय एम होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब टॉपिक आएगा तब अपन डिस्कशन कर लेंगे, बट पहले आप ये बताइए कि आपको ये वाली इक्वेशन ऐसे टिप्स में याद रह जाएगी क्या, सोते समय, जागते समय, चलते समय, कभी भूलना मत, बोलना लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। तो चलिए, ये वाला जो टॉपिक अपन ने शुरू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये पहले इस वाले पीछे वाले लेक्चर में अपने कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद में ड्यूअल नेचर जब आती है तो याद रखना कि लाइट की दो नेचर होती है, एक तो पार्टिकल और एक वेव, दोनों एक ही बात होती है। दोनों के अलग अलग नेम जरूर दिए हैं, बट दोनों एक साथ होती हैं। फोटोन पार्टिकल्स होता है, वो वेव्स के रूप में आती हैं, और फिर दो साइंटिस्ट ने दो अलग अलग इक्वेशन को अगर अपन काम में लेके देखें एक साथ में, तो E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एंड E इज इक्वल्स टू एच न्यू। इन दोनों की हेल्प से अपने पास में एक इक्वेशन आई है जिसको अपन बोल रहे हैं लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। तो इक्वेशन नंबर 5 तक यदि कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो अपन आगे चलते हैं, समझ में आया होगा सबके। यस, ये जो आप अभी इक्वेशन देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 5, ये क्यों है इंपॉर्टेंट इतनी, मैं बार बार इस पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन है कि यहां इस पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल बनता है, आपकी कंपिटेटिव एग्जाम का बन सकता है, आपकी बोर्ड एग्जाम का बन सकता है। तो देखो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, इन पर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस अपन प्रिपेयर करना चाहते हैं। मैं एक बार इक्वेशन नहीं हटाऊंगा, इक्वेशन आपके पास बनी रहेंगी। चलो दोबारा नोट कर देता हूं, एक सेकेंड। ये आपको एक इक्वेशन मिली थी E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एक इक्वेशन मिली E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और यहां पर ये जो न्यू का आंसर आया था वो है C अपॉन लेमडा, और लास्ट जो फाइनल आंसर आपके पास में है वो है लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। तो देखो ये जो इक्वेशंस आपके पास में हैं, इन पर न्यूमेरिकल बनेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपसे पूछा जाएगा लेमडा कैलकुलेट करिए, तो फिर आपको फोटोन पार्टिकल का मास बताया जाएगा केवल। क्यों? क्योंकि h तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, m की वैल्यू आपको बता दी गई है, तो फिर का आंसर क्या आ गया, लेमडा। जैसे मैं बोलूंगा कि सपोज फोटोन पार्टिकल का मास इतना है, कोई भी वैल्यू अपने को दे दी गई है, तो मास जैसे ही अपने को मिल गया है तो फिर लेमडा इज इक्वल्स टू एच, एच की वैल्यू आपको पता है एच कितना होता है, एच इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। एम की वैल्यू आपको दी गई है, सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो जब आपके पास में ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो अपन इसे लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यही देखो आपको लेमडा की वैल्यू दे देगा, सपोज लेमडा की वैल्यू दे करके एनर्जी पूछेगा, लेमडा की वैल्यू दे देगा तो एनर्जी कैसे बताएंगे, ये लेमडा की वैल्यू अपने पास में आ गई, इससे अपन ने न्यू की वैल्यू रख देंगे तो एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो आपके सामने इक्वेशंस हैं इन पर क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे आपसे ये मास दे दिया गया है, मास बता दिया कि फोटोन पार्टिकल का मास ये है, फोटोन पार्टिकल का मास नोट करता हूं मैं, सपोज मास ऑफ फोटोन पार्टिकल
इज एम इज इक्वल्स टू 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ग्राम। ये मास सपोज दे दिया है। अब आप इस मास की हेल्प लेकर के, ये एम हेल्प लेकर के क्या बता देंगे, उसका एनर्जी कैसे बताएंगे, इंटू सी, सी स्क्वायर। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन इन पर आ सकते हैं। मैं बार बार यहां पर क्या फोकस कर रहा हूं कि जब आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ड्यूअल नेचर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके पास ये जो इक्वेशंस आ रही है वो इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। मैं इनको हटा करके अब जैसे आपका फोकस करना चाहता हूं, आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे वेवलेंथ ऑफ चूरू, अपन कोई भी चूरू झुंझुनू या जयपुर आकाशवाणी होती है, ब्रॉडकास्ट होती है, उनकी वेवलेंथ दे दी गई है या फिर उसकी एनर्जी दे दी गई है, तो उससे अपने को उसकी कैलकुलेशंस करनी होती है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। अब आपके पास में सी कॉन्स्टेंट है और लेमडा की वैल्यू दी गई है। जैसे मैंने क्वेश्चन बना दिया, द ब्रॉडकास्ट वेवलेंथ ऑफ चूरू इज 4000 एंगस्ट्रम, इतनी वैल्यू अगले ने अपने को दी है। तो अपने से फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सी अपॉन लेमडा, एंगस्ट्रम को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में या सेंटीमीटर में, 10^-12 मीटर आप नोट करेंगे, और यदि नैनोमीटर दिया है तो 10^-10 मीटर लिख देंगे। इस प्रकार से अपन लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं समझता हूं शायद ये टॉपिक आपको प्रिपेयर हो गया होगा।